हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के बारे में कुछ जानकारी और उनके लाइफ की कहानी लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं कि आपको पसंद आएगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो तो हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोज़ के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएंगे। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये जो कहानी और जानकारी है, ये हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जो कि खुद गौरव तिवारी जी के बहुत बड़े फ़ैन और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी हैं, और इसी कारण उन्होंने अपना नाम यहाँ न लेने की रिक्वेस्ट की है। और उनकी इस रिक्वेस्ट का सम्मान करते हुए हम यहाँ पे उनका नाम नहीं लेंगे। बाकी आगे की कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगी। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मैं अपना नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं जिस फील्ड से हूँ उसके लिए ये बताना ठीक नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि जितना मेरा हिंदू सनातन धर्म साधना और तंत्र, यहाँ तक कि पैरानॉर्मल दुनिया का रिसर्च है, जो कि मैं 13 साल की एज से फील करता आया हूँ, वो बस एक वीडियो में बताना मुश्किल है। इसीलिए मैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद कुछ लोग जानते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि मैं बस उन बातों को बताऊँगा जिसके बारे में थोड़ा सा जानना सही है, क्योंकि ज़्यादा डीप रिसर्च सही नहीं होती है। ये स्टोरी हमारे इंडिया के फर्स्ट पैरानॉर्मल रिसर्चर सर गौरव तिवारी के ऊपर बेस्ड है, जिनकी लाइफ स्टोरी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जिनकी डेथ मिस्ट्री आज तक पुलिस रिकॉर्ड में भी मिस्ट्री बनी हुई है। गौरव सर की डेथ 7 जुलाई 2016 को हुई थी और अभी 2021 चल रहा है, लेकिन आज तक ये पहेली नहीं सुलझी है कि उनकी मौत की वजह आखिर थी क्या। 2 सितंबर 1984 को गौरव तिवारी का जन्म हुआ। गौरव सर बचपन से ही मस्त मौला टाइप के इंसान रहे हैं और वो अपने आप में ही रहते थे। उनका बचपन से ही एक सपना था कि वो कमर्शियल पायलट बनेंगे, और इसी सपने के साथ वो बड़े हुए और वो यूएसए के फ्लोरिडा सिटी में गए, जहाँ वो कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ले रहे थे। और फ्लोरिडा सिटी में वो एक फ्लैट पे अपने दोस्तों के साथ रह रहे थे। और कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बीतने के साथ उनके रूममेट्स को कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ फील होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मानो उन लड़कों के साथ भी और कोई एक छोटी सी बच्ची भी रहती है, जो कभी रोती है, कभी खेलती है, कभी हंसती है और कभी चिल्लाती है। बार बार ढूंढने के बाद कोई नहीं मिल पाता। सभी रूममेट्स हैरान थे क्योंकि उनके आसपास कोई फैमिली पर्सन नहीं रहता था। फिर किसकी बच्ची की आवाज़ उनको आती थी, किसी के समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिन बीतने के बाद उनके साथ कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ होने लगी, जिससे उनके समझ में आ गया कि ये सारी एक्टिविटीज़ पैरानॉर्मल दुनिया से हो रही हैं। ये ऐसी दुनिया है जिसको ना ही देखा जा सकता है, ना ही समझा जा सकता है। ये सब कुछ उनके साथ 2007 में हुआ था। और इन सब के बाद में ही गौरव तिवारी की रुचि पैरानॉर्मल दुनिया में बढ़ती चली गई, और अब इसी रुचि को अंजाम देने के लिए उन्होंने यूएसए में एक कोर्स किया, जो था पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कोर्स। दूसरे देशों में इसके सर्टिफाइड कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने इंडिया में पहली पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका नाम था इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। वो उसके सीईओ और चेयरपर्सन भी थे। गौरव तिवारी ने अपनी लाइफ में न जाने कितने हॉन्टेड प्लेसेस के दौरे किए और उनकी सच्चाई सामने लाई। उन्होंने भानगढ़ फोर्ट का भी दौरा किया, और उन्होंने ये भी बताया कि भानगढ़ फोर्ट किसी भी तरीके से हॉन्टेड नहीं है। उन्होंने बहुत सारे पुराने किले और घरों का भी दौरा किया, जिसमें से काफ़ी सारे हॉन्टेड निकले और काफ़ी नहीं, जिनमें से कुछ मनहूस और कुछ अफवाह फैलाने वाले साबित हुए। उनको आपने टीवी पर भी देखा होगा,
जैसे कि MTV का एक शो था गर्ल्स नाइट आउट, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर भी कवर किया गया था। उनको उनकी जो लाइफ थी वो पैरानॉर्मल वर्ल्ड से रिलेट करने लगी थी। उनको ऐसा लगता था कि किसी को पैरानॉर्मल दुनिया से छोटी सी भी प्रॉब्लम हो और अगर मैं उसकी हेल्प कर दूँ तो मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ। और बस इसी के चलते किसी को भूतिया परेशानी होती थी तो वो वहाँ पहुँच जाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। गौरव तिवारी अपने लाइफ में काफ़ी अच्छे मुकाम पर थे। सक्सेस उनके हाथों में थी। उनको हमेशा बड़े बड़े शोज़ के ऑफ़र आते रहते थे, लेकिन वो बस वही काम करते थे जिसमें उनका इंटरेस्ट होता था। उनकी शादी हुई, इसके बाद उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आए। कहते हैं ना कि लाइफ पार्टनर आने के बाद हमें अपने साथ उनका भी सोचना पड़ता है और उनकी सोच के हिसाब से भी चलना पड़ता है। उनकी वाइफ को उनका भूत प्रेत की दुनिया में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिर किसे पसंद होगा कि उनका पति या पत्नी भूत प्रेत की दुनिया में जाए? और ऐसी दुनिया जहाँ जाने का रास्ता साफ दिखता है मगर वापस आने का रास्ता बहुत धुंधला होता है, और वो दुनिया जहाँ मालूम नहीं कब कहाँ कैसा नुकसान पहुँच जाए, ऐसी लाइफ कौन पसंद करेगा? धीरे धीरे गौरव तिवारी के पिताजी भी उनको मना करने लगे, लेकिन उनका मोटिव था जिस सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की थी उसको आगे बढ़ाना। हाल ही की बात है, उनका जनकपुरी का दौरा था जो दिल्ली में, उसके बारे में आप लोग सुने होंगे कि वहाँ एक हॉन्टेड घर है, उसका दौरा उन्होंने किया था और उन्होंने बताया था कि इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं और वो एक्टिविटीज़ कोई नॉर्मल भूत प्रेत या आत्मा नहीं करती, वो एक डेमन डेविल या कहें तो एक शैतान कर रहा था। और उसके बाद से ही जब गौरव तिवारी अपने घर वापस लौटे तो अपनी पत्नी और पिताजी को बताते रहते थे कि मुझे कुछ अजीब सा फील होता है, भारीपन लगता है, ऐसा लगता है कि कोई निगेटिविटी ने मुझे घेर लिया है। उन्होंने अपनी फैमिली और स्टाफ को बताया था कि जब भी कोई डेविल आपको पजेस करने की कोशिश करता है तब वो आपको अनईजी फील कराता है, उसके बाद धीरे धीरे आप पर हावी होगा। गौरव तिवारी ने एक फिल्म के बारे में भी बताया था जिसमें भूतिया घटना को सही तरीके से पेश किया गया था कि एक्चुअल एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं। उस मूवी का नाम था द ओमेन। इसके बाद जब वो जनकपुरी से लौट के वापस आए तब उनको लग गया था कि उनके ऊपर सच में वो शैतान हावी हो रहा है। और उसके बाद जुलाई 7, 2016 की बात है कि गौरव तिवारी नॉर्मली सुबह जागे, बाथरूम की तरफ गए और एक घंटा बीत जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं निकले तब उनके पिताजी और बीवी को उनकी टेंशन होने लगी और वो डोर नॉक करने लगे। नॉक करने के बाद भी जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तब वो परेशान होकर दरवाज़ा तोड़ दिए, और जैसे ही अंदर जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गौरव तिवारी बेशुद्ध बाथरूम के फ्लोर पर पड़े हुए थे और उनके गले पर एक काला निशान था जिसे देख के वो घबरा जाते हैं और पुलिस और एम्बुलेंस को कॉन्टैक्ट करते हैं। और फिर बाद में मालूम पड़ता है कि गौरव तिवारी ने दम तोड़ दिया है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट की माने तो ये बताया जाता है कि गौरव तिवारी की मौत सांस ना मिल पाने की वजह से हुई है, लेकिन गौरव तिवारी ने अपने स्टाफ को पहले बता दिया था कि अगर किसी की मौत डेविल डेमन शैतान की वजह से होती है तो उसके गले में एक काला सीधा निशान बन जाता है। बट आज तक ये मिस्ट्री ही बनी हुई है कि गौरव तिवारी सर की मौत की असली वजह क्या रही होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। गणपति बाप्पा मोरया।